संदीप जी, एक बात बताइए कि आज बहुत सारे नेता हैं बहुजन समाज के, बहुत सारी पार्टियों के अंदर हैं, लेकिन जब भी कोई बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है, कोई भी वो होता है, तो उसके ऊपर वो आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? देखिए, जैसे लोग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं ना, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं बेचारों की राजनीति करने की। और सबका सिरा एक बात कहते थे कि जितने भी लोग हमारे दूसरी पार्टियों में, वो किराए के मकान में हैं, जिस दिन वो मालिक बनने की सोचेंगे उसको मकान खाली करवा लिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये गुलाम हैं बेचारे, हैं जैसे जंगल में अगर शेर का शिकार करना हो तो बकरी को बांध देते हैं, फिर शेर का शिकार करते हैं। तो जो हमारा समाज है 85% है, वो एक बहुत बब्बर शेर की तरह इस देश में, और चंद बकरियों को बांधते हैं हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए, उनको भेजते हैं, देखो जी तुम्हारे समाज का MLA है, तुम्हारे समाज के आदमी को टिकट दिए। अरे भाई, इस पिन पार्टी का अध्यक्ष बनाओ ना, हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बनाओ ना, प्रधानमंत्री बनाओ ना, चलो तुम लोग जो है ना गुलाम बना के रखते हैं उनको, ये बोल नहीं सकते, अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते, तो ये लोग समाज का क्या काम करेंगे? तो ये जो है ना नौकरी वाले हैं, नौकरी वालों के जो है ना कभी मालिक नहीं होते। अगर मालिक कोई है तो बहन जी हैं BSP की, प्रीमो है, आप जो है ना बहन जी को मजबूत करो, मैं तो यही कहूंगा।